बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, आज का हमारा ये प्रोग्राम था एहसान फूड प्रोग्राम के थ्रू। ये एक NGO है जो कि आपके सामने यहाँ की मुस्तहकीन बेवा औरतें जो हैं उनके अंदर हमने राशन तकसीम की है, और मैं बड़ा मशकूर हूँ इनका कि इन्होंने खलुस नीयत से जो मुस्तहकीन थे आपके सामने बेवा औरतें हैं बेचारी, और मुल्क के हालात भी आपके सामने हैं जो गुरबत का हाल है, लेकिन एक चीज़ होती है इसके अंदर इखलास कि इन्होंने मुखलिस तरीके से काम किया है, जो जेन्युइन हकदार थे आपके सामने आज उन्होंने इनको इकट्ठा किया है, और आप लोग देख रहे हैं कि उनके चेहरे पे जो रौनक है, जो खुशी है। इस तरीके से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो गरीब है, जो मुस्ताहिक है, हम उसको हक दें इसका, और जब उसको हक मिलेगा तभी हमारा मुल्क जो है ये तरक्की करेगा। बाकी इंशाल्लाह हमारे खान साहब जो हैं वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, हालात इतने ख़राब हो चुके हैं इसके अंदर ला महाला, जिस तरह एक सर्जरी में बंदे को तकलीफ़ होती है, ये 2-3 साल इस मुल्क को जो पिछली हुकूमतों ने इसलिए हशर किया है इस मुल्क के साथ, ला महाला हमें कुछ ना कुछ सर करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह चूँकि हमारा लीडर खलूस नीयत से काम कर रहा है, मुखलिस है, ईमानदार है, तो मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह हमारा जो मुल्क है, हमारा जो गरीब है, ये अपने पाँव के ऊपर इंशाल्लाह खड़ा हो जाएगा। बहुत धन्यवाद।